वो सजदा कोई अपनी तकदीर को आज कर देख ले। हमने माना कि हम हैं गिरफ्तार गम है जमाने के हम पर हजारों सितम। दूर हो जाएंगे सब मसाइब वहीं गर हबीबे खुदा एक नजर देख ले। और ये शेर भी सुनाना था कि हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है, मिक्सचर यही है और यही कैप्सूल है। हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है, मिक्सचर यही है और यही कैप्सूल है। हो जाओ अगर मरीज तो सल्ले अला पढ़ो, टानिक यही है और यही भी कसूल है। जनाब अजीजम मोहम्मद हमजा या सल्लमहु, बहुत ही अच्छी आप लोगों की समाते हैं, आपने बहुत अच्छा सुना। मेरे अजीजों वक्त काफी हो चुका है, हम प्रोग्राम को अपने आगे लिए चलते हैं। मेरे अजीजों हमारे इस प्रोग्राम का असल मकसद खिताबत है, और खिताबत अगर अल्लाह तबारक व ताला करता है तो उसको कलामुल्लाह कह दिया जाता है, और अगर नबी की जुबान पर खिताबत आती है तो उसको हदीस का लकब दे दिया जाता है, और उसके बाद अगर कोई फकीह खिताबत करता है तो उसको मसला बयान कर दिया जाता है, और जब कोई खतीब बयान करता है तो उसको बयान कह दिया जाता है। मेरे अजीज मैं इस वक्त गुजारिश गुजार हो रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के कि जिसके पास ऐवाने बातिल का सर कलम कर देने वाली शमशीर बरहना भी है, तो दूसरी तरफ उसको उसके पास एक ऐसे अल्फाज है जो सामाइन को अपनी गुफ्तगु से मजीद ज़हीन बना देता है, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद यहया साहब दामद बरकातुहुल आलिया सहसपुरी में हजरत वाला से मुअद्दबाना गुजारिश गुजार कर रहा हूँ कि आप मसनत खिताबत पर तशरीफ लाकर अपने मवाइज हसना से हम सब सामाइन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे शमशीर तो फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। साहिबुल इज्जत वल इहतराम मुअज्जज़ बुज़ुर्गों, मोहतरम नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों,
अल्लाह का फ़ज़ल और उसका एहसान है कि अल्लाह ने इस मदरसा मदीनतुल उलूम के इस जलसे में हम सब को आने की तौफीक मरहमत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आने को कबूल फरमाए और इस कहने और सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। क़ारी क़मरुद्दीन साहब का हुस्न ज़न है कि वो हर मर्तबा जब भी इजलास कराते हैं तो इस हकीर को ज़रूर याद करते हैं। मैंने इस मर्तबा उनसे बहुत माजरत की है क्योंकि मैं इस वक्त शुगर का मरीज़ चल रहा हूं और बयान करने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन उनका बराबर इसरार और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप चाहे थोड़ी ही देर बोलें आप आ जाएं। उनके हुक्म की तामील में मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ। चंद बातें मुझे तालीम से मुतालिक, इल्म से मुतालिक, क़ुरान से मुतालिक आपके सामने अर्ज़ करनी है। ये मदरसा है जिस मदरसे के अंदर हम इस वक्त बैठे हुए हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरान की तालीम होती है, दीन का इल्म सिखाया जाता है, बच्चे क़ुरान करीम को अपने सीनों के अंदर महफूज करते हैं और इस मदरसे की वजह से न मालूम कितनी बुराइयां और कितनी ऐसी बलाएं जो आसमानों से हम जैसे नालायकों की वजह से और हम जैसे गुनाहगारों की वजह से और हम जैसे बदकारों की वजह से अल्लाह की तरफ से आना चाहती हैं, लेकिन मालूम ये होता है कि इस बस्ती में मदरसा मदीनतुल उलूम है जहाँ बच्चे सुबह को उठकर काल अल्लाह की सदाए बुलंद करते हैं कि किसी की ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज होते हैं, किसी की ज़ुबान पर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब होता है, तो किसी की ज़ुबान पर सयकूलुर रसूल होता है और कोई अपनी ज़ुबान में अल्लाह को याद कर रहा होता है, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा होता है। अल्लाह इस कलाम की वजह से और अल्लाह इस कुरान की वजह से और अल्लाह इन मासूम बच्चों की ज़ुबान से काल अल्लाह की सदाओं की वजह से अल्लाह उस परेशानी को, उस मुसीबत को अल्लाह अगर भेजना चाहता है तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह इन बच्चों की, इन मासूम बच्चों के पढ़ने की वजह से उन तमाम चीज़ों को अल्लाह ऊपर को उठा लेता है। ये है मदरसों का फायदा। आज हम ये समझते हैं कि ये मदरसे, इनसे कोई फायदा नहीं है। मुसलमानों याद रखो, जिस दिन ये मदरसे नहीं हुए और जिस दिन इन मदरसों का खात्मा हो गया, और मैं तो यूं कहता हूं और मेरा ईमान तो ये कहता है और मेरा यकीन तो ये कहता है, हम खत्म हो सकते हैं लेकिन ये मदरसे खत्म नहीं होंगे कभी भी। हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारे अइज्जो अकरबा चले जाएंगे, जमीने जायदाद खत्म हो जाएंगी, सारी रौनकें खत्म हो जाएंगी, सब कुछ हो जाए, मिट जाए, लेकिन ये बाग लगाया हुआ मेरे और आपके आका,
محمد الرسول اللہ اور سچوں کے سچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں ہم تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ مدرسے ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مدرسوں کے جہاں اور مخالف ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بھی مخالفت میں اس میں حصہ لیتے ہیں، یہ مدرسے کیوں قائم کیے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں جہاں سے ان مدرسوں کی برائیاں ہوئی اور یہ مدرسے بند ہو گئے اور ان میں تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان علاقوں کی حالت کو آپ دیکھیے کہ ان علاقوں میں کیا ہو رہا ہے اور کیا صورتحال ہے۔ لوگ قرآن کو دیکھنے کو ترستے ہیں، لوگ مسلمانوں کو دیکھنے کو ترستے ہیں، لوگ داڑھی اور کرتے اور ٹوپی کو دیکھنے کو ترستے ہیں۔ آہ اے کاش ہمیں داڑھی والے مل جائیں، اے کاش ہمیں قرآن کے پڑھنے والے مل جائیں، اے کاش ہمیں اللہ کی کتاب مل جائے۔ میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا اندلس کے بارے میں کہ ایک جگہ کے کچھ طلبہ، کچھ اسٹوڈینٹس، کچھ تلامیز چھٹیوں کے اندر گھومنے کے لیے گئے۔ ماسکو یونیورسٹیز کے کچھ طلبہ اندلس وغیرہ گھومنے کے لیے گئے، تو جیسے وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ان سے ملتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ تم کون لوگ ہو؟ اس نے کہا کہ ہم ماسکو یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، تلامیز ہیں۔ اس نے کہا میں یہ نہیں پوچھتی، میں تم سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ بتلاؤ کہ تم لوگ ہو کون؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ حیرت کے ساتھ وہ عورت پوچھتی ہے کیا دنیا کے اندر ابھی مسلمان موجود ہیں؟ یہ اس وقت کی حالت ہے کہ جب وہاں مدرسوں کے خلاف بولا گیا اور مدرسوں کی قدر نہیں کی گئی اور قرآن کی قدر نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ کا آخری رسول، آمنہ کا لال، عبداللہ کا یتیم، فاطمہ کا بابا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ جو قوم قرآن کی تعظیم نہیں کرتی اللہ اس قوم کو پست کر دیتا ہے، اور جو قوم قرآن کی عزت کرتی ہے، قرآن کا احترام کرتی ہے، قرآن کو پڑھتی ہے، قرآن کو سینے سے لگاتی ہے، قرآن کا احترام کرتی ہے، اللہ اس قوم کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے قرآن کی اور مدرسوں کی ناقدری کی تو اللہ نے ایسے ان سے قرآن چھینا کہ وہ عورت انہیں دیکھ کر پوچھتی ہے ارے تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں۔ کہا یہ نہیں پوچھتی، یہ بتلاؤ کہ تم مذہب کے اعتبار سے کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس عورت نے ان کے پاؤں کے ناخون سے لے کر اور سر کے بالوں تک اور پیشانی تک ان کو دائیں اور بائیں، نیچے اور اوپر دیکھا اور کہا کیا ابھی مسلمان دنیا کے اندر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہے نہیں، بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارے پاس جو کتاب، اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ تمہارے پاس میں موجود ہے؟ کہ کہا یہاں تو نہیں ہے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بہت قرآن ہمارے پاس میں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اب کی بار جب چھٹیوں میں تم آؤ تو اللہ کا قرآن ہمیں لا کر کے دے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
जब वो छुट्टियों के अंदर गए तो उस औरत के वादे के मुताबिक वो कुरान लेकर के गए। उन्होंने फिर उनको पहचाना और पहचानने के बाद कहा, अरे तुम वही लोग हो जो गुज़िश्ता साल आए थे। कहा, हाँ हाँ हम वही हैं। अच्छा ये बतलाओ, मैंने तुमसे अल्लाह की किताब कुरान के बारे में कहा था, क्या तुम कुरान लेकर के आए हो? तो उन्होंने कुरान को निकाल कर, कुरान के नुस्खे को निकाल कर जब उस औरत के हाथों में दिया है तो उसने एहतराम के साथ पाक साफ कपड़े में लिया और कभी सर के ऊपर रखती थी और कभी जो है आंखों से चूमती थी और कभी आंखों से लगाती थी और कभी लबों से चूमती थी और कभी सीने से लगाती थी और इतनी खुश थी, इतनी खुश थी जैसे उसका कोई बहुत कीमती हीरा और लाल गुम होने के बाद उसे दोबारा मिल गया। मैं कहता हूं किसी हीरे की कोई कीमत कुरान के सामने नहीं है, दुनिया के किसी चीज की कोई कीमत कुरान के सामने नहीं है। लेकिन मुसलमानों, आज अफसोस की बात यह है कि हम इन मदरसों की कदर नहीं कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, जिस दिन ये मदरसे नहीं रहे उस दिन हमारे चेहरों पर दाढ़ियां नहीं नजर आएंगी, जिस दिन ये मदरसे नहीं रहे हमारे पेशानियों पर नमाजों के निशान नजर नहीं आएंगे, जिस दिन ये मदरसे खत्म हो गए हमारे सरों के ऊपर से टोपियां खत्म हो जाएंगी, और जिस दिन ये मदरसे नहीं रहे मुसलमानों हम आजादी के साथ निकाह और तलाक और ये चीजें नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है मुसलमानों कि इन मदरसों की कदर करो, इन मदरसों से मोहब्बत करो। बहुत से लोग कहते हैं मदरसे हमको क्या देते हैं, मदरसे हमको क्या देते हैं। इस मदरसे के अंदर भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, कुरान के हाफिज बन रहे होंगे, और अगर अभी नहीं बन रहे तो बुनियाद पड़ चुकी होगी, कुछ दिनों में कुछ सालों में अल्लाह के कुरान के हाफिज बच्चे बनेंगे, और ये कुरान के हाफिज वो तैयार होंगे जो आपके मेहराब व मिंबर में खड़े होकर के आपको दीन की बातें बतलाएंगे, आपको नमाजें सिखाएंगे, आपको नमाज का तरीका बतलाएंगे, आपको नमाज पढ़ाएंगे, आपके जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे और आपकी शादी और ब्याहों का तरीका आपको बतलाएंगे। मेरे भाइयों, हम मदरसों को वो नहीं दे पाते जो मदरसा हमको देता है। मदरसा हमको कारी कुरान देता है, मदरसा हमको हाफिज़े कुरान देता है, मदरसा हमको आलिम दीन देता है। लोग समझते हैं ये मदरसे हमारे टुकड़े के ऊपर पलते हैं, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ये जहन खत्म कर दीजिए, अपने जहनों से ये बात निकाल दीजिए। अरे ये लगाए हुए बाग मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, इनमें पढ़ने वाले मेहमान रसूल होते हैं, इनका खर्च और इनकी जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर होती है। मैं आपको बड़ा अजीब वाकया मेरे जहन में आता है वो सुनाऊं। हकीम अब्दुल लतीफ साहब ने 10,000 के ऊपर एक मदरसा कायम किया और मदरसे की बुनियाद डाली, और उसमें बुनियाद रखने के लिए उनके शेख भी आए और उनके उस्ताद भी आए। जब वो मदरसे की बुनियाद रखने लगे तो उन्होंने भी अपनी जेब से कुछ रकम निकाली और कहा कि लो ये ले लो। उन्होंने कहा, नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, इसको अल्लाह चलाएंगे। यकीन देखिए उनका, कहा इसको अल्लाह चलाएंगे। जब मदरसा बनकर तैयार हो गया, बुनियादें कायम हो गईं, दीवारें उठ गईं, लिंटर पड़ गया, दर्सगाहें बन गईं, मुअल्लिम बैठ गया और तलबा अल्लाह का कुरान ले लेकर पढ़ने के लिए बैठ गए। एक दिन वो आया कि मदरसे के अंदर खूब तलबा हैं, मतबख का निजाम चल रहा है, सुबह को नाश्ता बच्चों को मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, शाम का खाना मिलता है। एक दिन वो भी आया, बावर्ची ने आकर के नाजिम मदरसा से, मोहतमिम मदरसा से कहा, हजरत जी आज मदरसे के अंदर आटा भी खत्म है, आज मदरसे के अंदर चावल भी खत्म है, आज मदरसे के अंदर पकाने के लिए कोई चीज नहीं है। तो नाजिम मदरसा ने कहा, मुझसे मत कहो। उस बावर्ची ने कहा, ओ अल्लाह के बंदे ये तो बता दे और किससे कहूँ। कहा, मुझसे कहने की जरूरत नहीं है, जिसका मदरसा है उससे कह। कहा, किसका मदरसा है? मैं तो ये समझता हूँ कि आप ही ने खोला है, आप ही का मदरसा है। कहा, हमारा मदरसा नहीं है, जिसका मदरसा है उससे कहो।
सुबह से शाम हुई, रात आ गई, नाजिम मदरसा मोहतमी में मदरसा उठते हैं और जहां तलबा के चप्पल रखे हुए थे, कुरान के पढ़ने वालों के जूते रखे हुए थे, कुरान के पढ़ने वालों के चप्पल रखे हुए थे, अपनी दस्तार उतारते हैं और उसमें तमाम तलबा के जूते और चप्पल भर लेते हैं और नमाज की हालत में है। पहले नमाज पढ़ी, अल्लाह के सामने सर बसजूद हुए और उसके बाद जो है उन्होंने वो गठड़ी चप्पलों की और जूतों की अपने सर के ऊपर, अरे अल्लाह के बंदो सुनने दो, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा, खामोश हो जाओ भाई। उन्होंने जो है तालिब इल्म ने के जूते और चप्पल उठाएं और अपने सर पर रखें और अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं और रोना शुरू किया और ये कहते थे, खुदावंदा ऐ खुदा, अगर ये मेरे रिश्तेदार हो, अगर ये मेरी औलाद हो, अगर ये मेरे बच्चे हो तो इनको भूखा मार दे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फाका बर्दाश्त कर लूँगा, मेरे बच्चे फाका कर लेंगे, मेरे घर वाले फाका कर लेंगे, अल्लाह ये तो तेरे नबी के मेहमान हैं, अल्लाह ये तो तेरे नबी के मेहमान हैं, ए अल्लाह मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता इनके लिए कहां से आएगा और कौन भेजेगा, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है जो इनका इंतजाम कर सके। वो ये दुआ मांगते थे। वो बावर्ची कहता है कि मदरसे के सामने आकर, बड़े दरवाजे के सामने आकर एक बड़ी गाड़ी ने हॉर्न दिया और मदरसे का गेट बजाया, मैं जल्दी से पहुंचा और मैंने दरवाजा खोला, उस गाड़ी वाले ने कहा, ये सामान इस गाड़ी के अंदर जो भरा हुआ है, कुछ आटा है, कुछ चावल है, कुछ जरूरी सामान है, ये उतार लो, और खुदा के बंदे ये तो बतला दे कहां से लाया है, कौन से बाजार से लाया है, कौन सी मार्केट से लाया है, किस सेठ ने भेजा है, तू है कौन? तो उसका जवाब सुनो, उसने कहा मुझे पता नहीं कहां से आया है। अरे किससे पूछे? उससे पूछो वो जो मस्जिद में अंदर बैठा हुआ खुदा के सामने आंसू बहा रहा है, खुदा के ने उसके आंसू टप टप गिर रहे हैं और वो अल्लाह से फरियाद कर रहा है, ए अल्लाह ये मेरे नहीं है, ए अल्लाह ये मेरी औलाद नहीं है, ए अल्लाह ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, ए अल्लाह ये तो तेरे नबी के रिश्तेदार हैं, ए अल्लाह ये तो फातिमा के बाप के रिश्तेदार हैं, ये तो अब्दुल्ला के यतीम के रिश्तेदार हैं, उसके मेहमान हैं, उससे जाकर के पूछ, मुझे कुछ पता नहीं है। बतलाओ खुदा ने इंतजाम किया नहीं किया? हम समझते हैं कि मदरसों को हम चला रहे हैं, मदरसों को हम नहीं चला रहे हैं। और सुनो, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया बिनोरी टाउन पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मदरसा कायम है, बहुत बड़ा मदरसा कायम है, वहां पर दो बहुत बड़े ओहदेदार पहुंचे, बहुत बड़ा ओहदा उनके पास में था और उन्होंने कहा ये 2 लाख रुपए हैं, ये मदरसे के लिए रख लो। कारी साहब उठे और पूछा, बतलाइए किस नाम से रसीद बनाए? उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो हमें रसीद की जरूरत नहीं है, हमें रसीद की जरूरत नहीं है, ये पैसे हम इसलिए दे रहे हैं ये मदरसा चलेगा, खुदा का निजाम सही चलता रहेगा, ये मदरसा चलेगा, खुदा का निजाम सही चलता रहेगा, आसमानों से सही फैसले आएंगे, आसमानों से बुराइयों के फैसले नहीं आएंगे, आसमानों से तबाहियों के फैसले नहीं आएंगे, आसमानों से हमारी गिरफ्त के और अजाब के फैसले नहीं आएंगे, ये इसलिए मैं पैसे दे रहा हूं। कभी हमने समझा है हम मदरसों को क्यों पैसे देते हैं, या इन मदरसों के पैसे देने का क्या सवाब होता है? ये फायदा है मेरे भाइयों, ये फायदा है। इन मदरसों में जाकर के आप देखिए, रात को देर तक बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे और आपके बच्चे तो अगर जागेंगे तो बुराइयों में, हाथों में मोबाइल, गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, बुराइयां देख रहे हैं और देर के बाद जाकर के सोते हैं, सुबह की नमाजें कजा हो जाती हैं, आधे दिन तक सोते हैं। याद रखो नौजवानों,
मुसलमानों याद रखो, लोग शिकायतें करते हैं, मियां उठते हैं तो सुस्ती सवार रहती है, काम करने को जी नहीं जाता। कारी कमरुद्दीन जो है कोई तावीज दे दो, अरे तावीज से बात नहीं बनेगी, आ मैं तुझे अल्लाह के नबी की हदीस सुनाऊं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो देर तक सुबह को सोता रह जाता है, शैतान आता है, टांग उठाकर उसके कानों में पेशाब करके चला जाता है। सारे दिन सुस्ती सवार, काम करने को जी नहीं चाहता, उठने को जी नहीं चाहता, काया में दर्द है, ये है वो है, किसी तावीज की जरूरत नहीं है। तो ईशा की नमाज पाबंदी से पढ़ और सुबह की नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह तेरी सारी रात भी इबादत के अंदर लिखी जाएगी और दिन भर तू काम काजों के अंदर जो है आराम के साथ में अपने काम को करता रहेगा। देखो भाई, पानी बार बार इसलिए पीना पड़ रहा है कि हमें शुगर है। मैं हरिद्वार के किसी इलाके में तकरीर कर रहा था, बार बार पानी पी रहा था, तो एक साहब कहने लगे, लागू करके बिरयानी खाई दिखे मौली साहब। हमने तो यहाँ छुई भी ना अल्हम्दुलिल्लाह, मगर पानी इसलिए पीना पड़ता है समझे कि शुगर में जो है खुश्की आ जाती है एकदम। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि ये मदरसे के बच्चे रात को देर तक पढ़ते रहते हैं और सुबह को जल्दी उठ करके जो है नमाज पढ़ते हैं, कुरान की फिर तिलावत में लग जाते हैं। वाह मेरे बच्चों, वाह मेरे वो नौजवानों जो कुरान पढ़ रहे हो, तुम कितने खुशकिस्मत हो। सुबह उठकर कोई आवाज लगाता है, कोई आलू बेचने की आवाज लगा रहा है, कोई शलजम और पालक की आवाज लगा रहा है, कोई किसी चीज की आवाज लगा रहा है, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम अल्लाह की आवाज लगा रहे हो। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी झोली में उठते ही तुम्हारा रब कुरान डाल देता है, तुम्हारी झोलियों में तुम्हारा रब कुरान डाल देता है। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जुबानों पर अल्लाह कुरान को जारी और सारी कर देता है। यानी कितने लोग ऐसे हैं कि जो सुबह उठते ही कोई गालियों में है, कोई लड़ाई में है, कोई झगड़ों में है, कोई किसी फसादात के अंदर है। सुभान अल्लाह, तुम कितने अच्छे हो कि तुम सुबह उठते हो, रब तुम्हारी झोली में कुरान डालता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन मदरसों से आप मोहब्बत कीजिए। अगर आपने इन मदरसों से मोहब्बत की और आपने इन मदरसों के पढ़ने वाले बच्चों को मोहब्बत की निगाहों से देखा और इनसे दुआ ली, तो मेरे भाइयों, मैंने एक जगह एक वाकया पढ़ा था और गालिबन मौलाना कलीम सिद्दीकी की जुबान से एक मरतबा सुना भी था कि एक आदमी के घराने में कुरान के 72 हाफिज मौजूद। कितने भाई? कुरान के 72 हाफिज मौजूद और जो है अक्सर उनमें कारी भी और आलिम भी। उनके घराने के अंदर जो है मर्द भी हाफिज, औरतें भी हाफिज, और जो बहुएं उनके यहाँ आई हैं वो भी कुरान की हाफिज। तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे बाप किसी मदरसे के शेखुल हदीस थे कि तुम्हारे घर के अंदर इतने कुरान पढ़ने वाले हाफिज बन गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बाप दादा तो बेचारे जाहिल थे, कुछ भी नहीं पढ़ते थे, पढ़े हुए थे, फिर ये क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि शुरू में हमारे जो दादा थे वो गैर मुस्लिमों के अंदर काम किया करते थे, बाद में कोई चोट लगने की वजह से वो इस लायक नहीं रहे कि मेहनत का काम कर सके, तो उन्होंने सब्जी बेचने का काम ले लिया। और वो सब्जी ऐसी जगह बेचते थे कि जहां कोई मदरसा होता था और मदरसे के बच्चे उधर से निकलते बढ़ते थे, और जैसे ही मदरसे के बच्चे आते थे तो वो अपनी सब्जी छोड़ करके जल्दी लपकते और बच्चे को सीने से लगा लेते, बच्चे को सीने से लगा लेते थे और यूं कहा करते थे, बेटा क्या पढ़ते हो?
कि हम तो अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हमारे घर में भी कुरान के हाफिज अल्लाह बना दे। बस ये उनकी दुआ थी। और बाज मर्तबा यूं लिखा है कि सब्जी तोल रहे होते थे, उनके हाथ में तराजू की डस होती थी और देने के लिए तैयार होते थे। कोई बच्चा निकल कर आया, फौरन उन्होंने छोड़ दिया और उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और उसे सीने से लगाया और उनसे दुआ कराया करते थे। अल्लाह का करना ये हुआ कि उस दुआ की बरकत से और उस उनकी उस शफ़क़त वाली नज़र को हाफिज़े कुरान पर डालने की वजह से अल्लाह ने उनके घराने में कुरान के 72 हाफिज़ पैदा किए। आज हम में भी है कोई जो इस तरह से कुरान के हाफिज़ों से मोहब्बत करता हो? मेरे भाइयों, बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है। मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में, जन्नतुल बकी में, एक कब्र को बार बार खोला जाता था इसलिए कि उनकी जगह पर दूसरे किसी को दफन किया जाए, जो वहां का माहौल है। तो जब भी उनकी कब्र को खोला जाता तो उनकी लाश बिल्कुल ऐसे ही निकलती और कफन भी बिल्कुल सही सालिम रहता। वहां के लोग बड़े हैरान थे। बहुत वक्त के बाद उन्होंने उनकी औलाद से पूछा कि ये तुम्हारे बाप की कब्र है, इनका क्या ऐसा अमल था जिसकी वजह से इनकी लाश आज तक ऐसे ही मौजूद है, जिस्म तो क्या कफन भी इसी तरह से सलामत है? तो उनको बेटों ने एक बात कही कि हमारे अब्बा वैसे तो बहुत सीधे साधे और ऐसा कोई अमल तो था नहीं, लेकिन एक बात हमने ये देखी, कभी किसी हाफिज़े कुरान की तरफ या किसी आलिम की तरफ उन्होंने अपना पांव भी नहीं किया। अपना पांव करना भी अच्छा नहीं समझते थे कि इसके सीने में अल्लाह का कुरान है। और आज हमारे यहाँ क्या कदर है। इसलिए मेरे भाइयों, कदर कीजिए हाफिज़े कुरान की, कदर कीजिए। हमने कहाँ समझा है कुरान को? ये तो इतनी नूरानी और बाबरकत और इतनी रूहानी किताब है। अभी मैं एक दिन एक तकरीर सुन रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो दारुल उलूम के एक आलिम हैं मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब, वो अपने बयान में फरमा रहे थे कि एक माँ अपने बेटे का वाकया बयान करती है कि उसका बेटा कुरान का हाफिज बन गया, मेहनत की उसने और कुरान का हाफिज बना करके वो छोड़ गई। वो जब दुनिया से गई तो उसका बेटा हर जुमे को अपनी माँ की कब्र पर जाकर के अल्लाह का कुरान पढ़ा करता था। तो एक दिन माँ ख्वाब में आई और उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जब तू आया कर तो फौरन एकदम कुरान पढ़ना न शुरू किया कर, जरा थोड़ी देर बैठ जाया कर। उस बेटे ने कहा, माँ क्या बात है? तो उस माँ ने कहा कि बेटा, जब तू आकर मेरी कब्र पर कुरान पढ़ना शुरू करता है और तेरी जुबान से अल्फाज निकलते हैं कुरान के, तो तेरे मुंह से लेकर मेरी कब्र तक इतना नूर होता है, इतना नूर होता है कि मैं उस नूर के अंदर जो है तेरा चेहरा भी नहीं देख पाता। ये कुरान है मेरे भाई। दुनिया की कोई किताब आप पढ़ो, उसके पढ़ने पर कोई अज्र नहीं है। आप अल्लाह का कुरान पढ़ो, हर हर्फ के ऊपर 10 नेकियां आपको मिल जाती हैं। और नूरानियत उसको कौन समझेगा? जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि इतना नूर कि उसके मुंह से लेकर माँ की कब्र तक नूर ही नूर हो जाता है। आज तो हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना ही नहीं चाहते। क्या 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 चीज आपसे कही जाए कि हम अपने बच्चों को दुनिया के फनून खूब सिखा देते हैं। देखो, मैं इसका ऐसा नहीं कि मैं इसका मुखालिफ हूं, जरूरत है हमें कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाएं, अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाएं, इंजीनियर्स बनाएं, पायलट बनाएं, ग्रेजुएट बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन हम आपसे ये भी कहते हैं कि जहां आप ये सब कुछ तालीम दिला रहे हैं, वहीं आप अल्लाह का कुरान भी अपने बच्चों को पढ़ाएं।
दुनिया से जाने के बाद, कब्र के गढ़े में पहुंचने के बाद सबसे पहले जिस चीज का मैयत को इंतजार होता है वो ये होता है कि मेरे घर से कोई तोहफा आए, कोई कुरान पढ़कर के मुझे बख्श दे। लेकिन आज हम लोग कुरान पढ़े हुए न होने की वजह से हम मदरसे तलाश करते फिरते हैं। कौन से मदरसे में बच्चे मिलेंगे जहां कुरान खानी करवा दी, जहां के बच्चों को पकड़ कर ला करके जो है हम कुरान पढ़वा कर अपने बच्चों अपने बाप की बख्शिश करा दें, अपनी माँ की बख्शिश करा दें। अरे क्या अजीब उल्टा माहौल है। बाप दुनिया से गया, जायदाद का मालिक तो तू बन गया। वरस जो उसने मीरास के अंदर छोड़ा उसका मालिक तू बन रहा है, उसके तरके का मालिक तू बन रहा है, उसके बदन से जो कपड़ा निकल रहा है, उसकी जेब में जो कुछ है उसका मालिक तू बन रहा है। और कुरान पढ़कर बख्शवाएं मदरसे के बच्चे, जरा सोचो तो सही। अरे सोचो तो सही, हक तो आपके ऊपर है ना, हक तो आपके ऊपर है। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, ना इंसाफी की, हक तलफी की? क्या तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बेहतरीन दुल्हन तलाश करके नहीं लाई? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बेहतरीन मकान नहीं छोड़ा? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जो है प्लाट और जो है जमीन के टुकड़े नहीं छोड़े? वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़े हैं। अगर आज तुम कुछ पढ़ लेते और पढ़ने के बाद अपने बाप को बख्श देते तो कितना अच्छा होता, समझे? ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि जनाजा रखा हुआ है, जनाजा रखा हुआ है, हाफिज साहब, कारी साहब, इमाम साहब, मुफ्ती साहब इजाजत मांग रहे हैं। अरे इजाजत दे दो, हम नमाज पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? हक तो ये बनता है कि जनाजे की नमाज वो पढ़ाए जो मैयत का रिश्तेदार हो, उसका बेटा हो, उसका बाप हो, उसका भाई हो, उसका चचा हो। हक तो उसका बनता है। जब कोई नहीं होता है तो इमाम साहब पूछते हैं, बतलाओ भाई पढ़ाए। उस पर भी क्या होता है कि एक तरफ तो सफे बन ही हुई हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं और वहां से इजाजत मिल रही है, हाँ हाँ पढ़ाइए। अरे बाबा क्या तुम नमाज नहीं पढ़ोगे? तुम्हारे ऊपर नमाज नहीं है? क्या तुम्हारी माँ पर तुम्हारा ये भी हक नहीं है कि तुम उसके जनाजे की नमाज पढ़ लो? तो वो क्या कहता है, अजी पढ़ाइए आप, हमारे कपड़े सही नहीं है या हमको नमाज नहीं आती। और एक जगह तो हमने किताबों में पढ़ा एक वाकिया कि मौलाना अरशद साहब दामत बरकातुहुल आलिया किसी सफर में आ रहे हैं और नमाज पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में रुके, वहां जनाजे की नमाज थी, इमाम साहब उन्हें पहचानते थे। इमाम साहब ने कहा कि आप नमाज पढ़ा दीजिए, पूछा इजाजत दीजिए? तो एक बच्चा उधर खड़ा हुआ है और उसने कहा कि हाँ पढ़ाइए। अरे आप नमाज नहीं पढ़ोगे? हमने हजरत इतना कीमती जूता पहन रखा है कि उसके उतारने और चढ़ाने में बड़ा वक्त लगेगा, आप जो है पढ़ा दीजिए। ये हालत है मुसलमानों, ये हालत है। सोचने की जरूरत है, सोचने की। तो इसलिए अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। आपको कुरान के पढ़ाने पर अगर आपने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, आपके लिए इसाले सवाब भी करेगा। और कल कयामत में आपने अगर किसी बच्चे को कुरान का हाफिज बना दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उन माँ बाप के सरों के ऊपर ऐसा ताज सजाएंगे कि जिसकी रोशनी का आलम ये होगा कि ये दुनिया का सूरज उसके सामने जो है फीका पड़ जाएगा। जिस बच्चे ने कुरान पढ़ लिया होगा, जिस बच्चे ने कुरान पढ़ लिया होगा उसको इख्तियार दिया जाएगा कि पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात के ऊपर चढ़ते जाओ। कितने जन्नत के दर्जे कितने हैं? कुरान करीम की आयात 6666 आयात हैं कुरान की, उतने ही जन्नत के दर्जे हैं। इसलिए इसका ख्याल रखिए और इन मदरसों को खूब जो है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों आप अपने तआवुन से इन मदरसों का ख्याल रखें। अगर आपने इन मदरसों का ख्याल रखा, किसी बच्चे की आपने उसकी पढ़ाई में मदद कर दी, उसको खाने खिलाने का इंतजाम कर दिया, उसके कपड़ों का इंतजाम कर दिया, उसके रहने और सहने के लिए किसी कमरे और दरसगाह का इंतजाम कर दिया, तो मेरे भाइयों कल कयामत में आपके लिए यही जरिया निजात बन जाएगा, जरिया मगफिरत बन जाएगा।
बड़े वाकयात हैं। मैं बार बस अपने आप को बार बार ब्रेक लगा रहा हूं कि वक्त ज़्यादा होता चला जा रहा है, इसलिए मेरी ये गुजारिश है, आप इस मदरसे के अंदर बैठे हुए हैं, इस ये मदरसे का जलसा है, सारे साल इस मदरसे में तालीम हुई है, बच्चों ने इल्म हासिल किया है, दीन का इल्म सीखा है, मदरसों की कोई आमदनी और ज़राए तो नहीं है, समझे, यही आप ही इन मदरसों की किफालत करें, अल्लाह आपके दिलों के अंदर डालता है कि आप इन मदरसों का तआवुन करें। तो मेरी भी आपसे ये गुजारिश और दरख्वास्त है कि आप भी इस मदर ये बच्ची मेरे पास में आई है, आप भी इस मदरसे का तआवुन करना चाहें तो 5 मिनट के अंदर जल्दी से खड़े हो जाएं और कहें कि मैं कोई है जो 10,000 रुपए से इस मदरसे का तआवुन कर सके। जी 10,000 रुपए से ज्यादा मांग लिए। अच्छा 5,000 रुपए से कोई मदरसे का तआवुन कर सकता है? माशाल्लाह बड़े बड़े यहाँ जमीनों वाले, जायदाद वाले और बड़े बड़े मालदार अमीर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर कोई मदरसे का तआवुन करना चाहता हो 5,000 रुपए से तो बतलाएं भाई कि मैं मदरसे का तआवुन करता हूँ। अल्लाह कल कयामत में आपको बेहतरीन इसका बदला और जजा अता फरमाएंगे। जी बोलो भाई, है कोई मदरसे का तआवुन करने वाला 5,000 रुपए से? देखें अल्लाह किसके दिल में डालता है। अच्छा चलो नहीं देना चाहते तो जो जिसके जेब में हो, जो अपनी हैसियत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा कर लो, समझे, जो देना चाहे जल्दी से खड़े हो जाओ, लाओ दे दें, समझे। ये पर्ची आ गई, मुझे चंदा मेरे जहन में था नहीं, करना भी नहीं था, समझे, लेकिन ये पर्ची आई है तो जरा इसकी कई की लाज रखें, समझे। जो भी देना चाहते हो उठ जाएं जल्दी से, देखें कौन अल्लाह का वली खड़ा होता है, किसके दिल में अल्लाह इस बात को डालता है। जी जल्दी खड़े हो जाएं, ये तो मदरसे का जलसा है, हम अपनी मस्जिद में तआवुन करना चाहते हैं तो कई के 1,000 रुपए वहीं हो जाते हैं, माशाल्लाह 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमावे। जजाक अल्लाह, अल्लाह जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए। और लाओ भाई जल्दी से। जी माशाल्लाह, देखो एक जवान और जेब में हाथ डालता चला रहा, माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमावे 100 रुपए। जजाक अल्लाह, वाह भाई वाह, ऐसे नोटों की जरूरत है हमें, समझे, माशाल्लाह जजाक अल्लाह। 200 रुपए मौली साहब ने दिए, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह जान में, माल में, इज्जतों में बरकत अता फरमाए, जजाक अल्लाह। और ला भाई माशाल्लाह, 200 रुपए लें, जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे, ले लो हिस्सा, ले लो सब, हाँ जजाक अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे। और भाई जी माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे। और भाई कोई देना चाह रहे हैं? माशाल्लाह हाजी जी, तुम्हारे तो ये 100 रुपए कम लग रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमावे। तो जी हाजी तवस्सुल साहब, 4 और दे दो 4, जजाक अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह जान में, माल में, इज्जतों के ढेर लगावे, माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमावे, वाह भाई वाह, जजाक अल्लाह। और लाओ भाई जल्दी जल्दी ऐसे, जजाक अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह जान में, माल में बरकत अता फरमावे, माशाल्लाह। आप बेहतरीन नात सुनेंगे और उसके बाद बेहतरीन खिताब होगा, जजाक अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह जान में, माल में, इज्जतों के, माशाल्लाह। ऐसे बत्ती बना के ला रहा हूँ इतना बड़ा नोट, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह जान में, माल में, इज्जतों के ढेर लगावे। और भाई कोई, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला
जो कुछ आपने दिया अल्लाह उसे कबूल फरमावे। अल्लाह हमारे कहने को आप हजरात के सुनने को बे इंतहा कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हाजरीन, हमारी महफिल इस वक्त में फिर महफिल को रौनक बख्शने के लिए उसी बच्चे से गुजारिश गुजार हो रहा हूँ जो अभी कुछ देर कबल अपने जलवे बखेर कर गया है, जिससे मेरी मुराद अज़ीज़म मोहम्मद हमज़ा आयाज़ सल्लमहु के वो आए।